गंगा दशहरा के पावन पर्व पर तीर्थराज धोपाप में लगा श्रद्धालुओं का मेला। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम ने रावण वध का पाप यहीं पर धोकर उतारा था। तब से अनवरत यहां पर दूर दराज के जिलों से भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं का मेला लगता है। लोग जगह जगह पर सामाजिक समितियों ने शीतल जल और शरबत पिलाया। मेला अध्यक्ष तहसीलदार लंभुआ ने तथा उप जिलाधिकारी लंभुआ ने मेले में रहकर व्यवस्था चाक चौबंद की। लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहे। धोपाप मेले में जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं होनी थी वो कल ही पूर्ण कर ली गई थी और मेला आज सभी के सहयोग से सकुशल संपन्न हो रहा है। वर्तमान में 11 बजे तक गेट काफ़ी कम हो गई है। एक दुखद घटना केवल ये हुई कि एक महिला गायत्री सिंह वाइफ ऑफ वीरेंद्र सिंह जो कि प्रतापगढ़ की रहने वाली थी वो मंदिर की सीढ़ी पे आज स्नान करने के बाद मंदिर की सीढ़ी पे जब आई फिर वहीं पे गिर गई। वो हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई तो उनको उनके परिवारजनों के साथ में एम्बुलेंस से भेज दिया गया। सर डूबने वगैरह की किसी तरह कोई घटना नहीं हुई। SDRF की टीम रात 1 बजे से लगातार नदी में घूम रही है कि कोई भी आदमी अगर गहरे पानी में जाता है तुरंत उसको रोक देती है और हम लोग इस मामले में भागशाली रहे कि कोई भी घटना इस प्रकार की नहीं होने पाई। सर और चेन स्नेचिंग जैसे हर साल चेन स्नेचिंग के संबंध में 2 शिकायतें हमारे मौजूद रहते ही वहाँ पर आई थी और एक व्यक्ति उसमें पकड़ा गया है। पुलिस आपको इस संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध करा देंगे। Thank you.